अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? खैरियत से हैं? अच्छा, ये मेरे पास कुछ स्टॉक है फॉर सेल, तो मैंने कहा मैं आप लोगों को भी शो कर देती हूँ। एक्चुअली मेरा जो यूट्यूब चैनल है और फेसबुक इंस्टा सब पर जो है कुकिंग के से रिलेटेड वीडियोस अपलोड होती हैं, तो मैंने सोचा कि जो अब इस बार बिजनेस है ना उसको भी इसी फील्ड से रिलेटेड किया जाए ताकि आप सबको आसानी रहे। तो बहुत ही ज़बरदस्त शानदार प्रोडक्ट्स हैं, मैं वन बाय वन आपको दिखा देती हूँ, इंशाल्लाह मज़ीद स्टॉक भी लेकर आएंगे। अच्छा जी, सबसे पहले ये हमारे पास बाउल्स हैं और ये सारा इम्पोर्टेड है, ठीक है, लोकल इसमें कुछ नहीं है, इम्पोर्टेड है और ओरिजिनल प्लास्टिक में है, ठीक है, ये जो मिक्स प्लास्टिक होता है उसमें नहीं है। बहुत शानदार ये बाउल है, प्योर में है और प्राइजेस इसके जो है आप मुझसे इनबॉक्स में पूछ सकते हैं, ठीक है। ये बॉक्सेस इस तरह से आपको मिल जाएंगे, ये दो का सेट भी मिल जाएगा, सिंगल भी मिल जाएंगे, इसमें बड़े साइजेस भी आते हैं लेकिन मेरे पास यही अवेलेबल हैं। उसके बाद जी ये स्टोरेज बॉक्स है 3 in 1, ठीक है। अब एक हाथ से भी मैं इसको ओपन करके आपको नहीं दिखा सकती, ट्राई करती हूँ अगर ओपन हो जाए तो। ये स्टोरेज बॉक्स जो है इसको आप यूज़ कर सकते हैं, जैसे आप ड्राई फ्रूट्स के लिए यूज़ कर सकते हैं, नहीं टाइड है, नहीं खुल रहा है, और अगर आपने बनाया है निहारी वगैरह तो इसमें प्याज आप रख सकते हैं, फ्राइड ऑनियन जो है आपके पास, लेमन है, ग्रीन चिलीज़ हैं, तो सब कट करके आप इसमें रख सकते हैं। इस तरह से ये वाटर बॉटल है, आगे आपको पता है रमज़ान भी आ रहा है और हम लोग जब ख़वातीन मार्केट में जाती हैं तो फिर प्याज जो है उसकी शिद्दत बढ़ जाती है, तो ये छोटी सी वाटर बॉटल है जो आपको बहुत हेल्पफुल रहेगी आपके लिए। और ये देखेंगे साबुनदानी है, कितनी शानदार ज़बरदस्त साबुनदानी है, ये भी प्योर में है, ज़बरदस्त चीज़ें इंशाल्लाह आपको मिलेंगी। और ये जो है जी ऑयल बॉटल है, ठीक है, ऑयल बॉटल्स दो तरह की हैं, ये जो है ये ज़रा चीप प्राइस में है और एक एक्रेलिक में है, बहुत शानदार बॉटल है एक्रेलिक वाली, ये देखिए ये एक्रेलिक में है, ये बहुत शानदार है। किचन में अगर आपने ऐसी प्रोडक्ट्स रख लीं तो आपके किचन को 4 चांद लग जाएंगे। ये देखें कितनी शानदार ये है, इसको आप एज अ ऑयल बॉटल और वेनेगर दोनों के लिए यूज़ कर सकते हैं। अच्छा जी, उसके बाद ये 3 nozzles वाली बॉटल्स हैं, ठीक है, आप अगर कुकिंग के शौकीन हैं या आप फूड पांडा पे या किसी भी तरह से आप बिज़नेस कर रहे हैं तो आप इसको यूज़ करके जो है अपनी प्रेजेंटेशन को बहुत अच्छा बना सकते हैं। अच्छा जी, इसके साथ ये देखिए, ये हमारा जो है ना नॉनस्टिक के लिए हम अलग अलग से एक एक स्पून लेते हैं और फिर उसको होल्ड करने के लिए भी हमें बड़ी दिक्कत होती है, तो इस तरह से ये हमारे पास 11 पीसेज में ये स्पून होल्डर भी साथ आपको मिलेगा और हर तरह के इसमें स्पून्स दिए गए हैं, आप देख सकते हैं, इसमें चिमटा भी है, इसमें स्पैचुला वगैरह और ये एग बीटर, ठीक है, ऑयल ब्रश, ग्रीसिंग ब्रश भी है, हर तरह के जो है ना इसमें आपको चम्मच मिल जाएंगे, अलग से कुछ भी लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और सबसे अच्छी बात यह है कि इसके साथ इसका ऑर्गेनाइज़र भी है और बहुत ज़बरदस्त है, ये वुडन इसके जो है हैंडल्स हैं, खूबसूरत भी बहुत है, बहुत आउट क्लास चीज़ है, ठीक है। उसके अलावा जी ये देखें ये क्या है, इतनी खूबसूरत सी, एज अ डेकोरेशन भी आप इसको यूज़ कर सकते हैं और उसके अलावा सॉल्ट एंड पेपर के लिए बेहतरीन है। तो ये इसके फ्रंट पे होल्स हैं और नीचे से आप इसको ओपन करके फिल कर सकते हैं और ये आपके डाइनिंग टेबल पे पड़ा वैसे भी बहुत खूबसूरत लगेगा। अच्छा जी, ये देखिएगा ये स्प्रे बॉटल है, बहुत शानदार है, ये भी इम्पोर्टेड है और लोकल ख़राब हो जाती हैं लेकिन ये नहीं ख़राब होती, ये बहुत शानदार है, इसमें मज़ीद कलर्स आपको मिल जाएंगे। इसके अलावा यहाँ पर हमारे पास ये बॉटल्स हैं केचप के लिए, चिली गार्लिक सॉस के लिए, मायो के लिए, किसी भी सॉसेस के लिए आप इनको यूज़ कर सकते हैं, इतना शानदार ये देखिए, बहुत ही फ्लेक्सिबल है, इसको आप पुश करें जैसे मायो नहीं निकलता है, चिली गार्लिक नहीं जल्दी से निकलता है, तो ये बोतल्स जो हैं ये इम्पोर्टेड हैं, इनमें आप बहुत ही आसानी से अपना कोई भी किसी भी किस्म का सॉस जो है वो निकाल सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो दुआओं में याद रखिएगा। सॉरी, एक चीज़ दिखाना भूल गई, वो भी दिखा देती हूँ, ये देखिएगा ये हमारे पास ऑर्गेनाइज़र है, इनको आप यूज़ कर सकते हैं अपने किचन के लिए, अपने कैबिनेट्स के लिए, अपने ड्रेसिंग टेबल के लिए, बहुत शानदार है, इसकी क्वालिटी भी बहुत ज़बरदस्त है और सब कुछ ओरिजिनल है, कॉपी नहीं है, ठीक है। इसके कलर्स मैं आपको शो कर देती हूँ, इसमें मज़ीद कलर्स भी हैं, मेरे पास फ़िलहाल यही अवेलेबल है, ठीक है, ये स्टोरेज ऑर्गेनाइजर्स आपको मिल जाएंगे, तो ये अभी मेरे पास फ़िलहाल स्टॉक है, इंशाल्लाह फिर आपको जैसे ही हमें आप लोगों की डिमांड्स पता चलेंगी तो मज़ीद स्टॉक लाएंगे और आपके साथ शेयर करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।